जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो हमन आप मन ला हंसाए गुदगुदा के बहुत प्रयास करथन, और आप मन बर खोज खोज के मस्त मस्त वीडियो बनाने के भी प्रयास करथन। लेकिन संगवारी हो, आज के वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है, काबर की आज के वीडियो में एक जन ऐसा उभरता हुआ सितारा जो हमन के बीच में आज नहीं है, ओकर बारे में ही बात करबो। तो हां संगवारी हो, मैं आप मन लेको घनी बोला हूं कि मोर वीडियो ला पूरा देखो की के, लेकिन मैं आप मन से बस इतना कहना चाहता हूं कि आज की वीडियो ला आप मन पूरा देख लो, काबर की जो हो है ते आगे चल के ककरो भी घर हो सकत है, ते वीडियो ला लास्ट तक जरूर देखो। आज से लगभग 3 साल पहले छत्तीसगढ़ में एक मीम बहुत ही ज्यादा वायरल होते, जेला के छत्तीसगढ़ के कोना कोना में मीम पहुंच गई थी। जो मीम हरी से इंदुवती दीदी बनाए थे, मुहा भी ने बरजात रही से, वही बोले थे मुहा भी ने बरजात हो के वो मीम ला कोई एडिटर ऐसा एडिट करी से कि वो मीम रातों रात बहुत ही ज्यादा व्यूज लेकर आ गए थे, और छत्तीसगढ़ में एकदम प्रचलन बन गए सोखरे वीडियो बनाया। वही मीम के कारण हमें उभरता हुआ सितारा के पहचान हुई हमारे सामने आई, जिसका नाम है इंदुवती। वो आप मला बता, मोला बहुत दुख होते है कि वही इंदुवती दीदी के निधन हो चुके हैं, जेकर इंस्टाग्राम में 1,46,000 फॉलोअर प्लस यूट्यूब में अच्छा खासा फैन फॉलोइंग रही सेवाई। जेन इंदुवती दीदी हमन के बीच में नहीं है, तेन हंडा पी चला दे के अपन घर जा रही से, एक जन तेज रफ्तार वाला कार आके ठोकर मारी, और ठोकर मारे के बाद इंदुवती दीदी सड़क के किनारे गिर गए। सड़क के किनारे गिरे के बाद इंदुवती दीदी के सिर में चोट आ रही से, जिला एम्बुलेंस में भर के हॉस्पिटल लगी। तो सुनत में ये आता है कि पहला हॉस्पिटल में इंदुवती दीदी के भर्ती नहीं हुई, और दूसरा हॉस्पिटल में लगी तब तक के देर हो गई थे, वहाँ के डॉक्टर इंदुवती दीदी ला मृत घोषित कर दी। जेन इंदुवती दीदी कांकेर जिला के रोहियारी से, तेन इंदुवती दीदी अपन घर ले के गए थे कि आज मैं अमलेश नागेश भैया के हंडा पिक्चर देखे जाता हूँ की के। लगभग 9 बजे इंदुवती के परिवार के मन इंदुवती ला फोन लगाई से, तो इंदुवती बोली कि मैं अभी थिएटर में हूँ पिक्चर देखा था करके। ओकर बाद लगभग 1.5 घंटा बाद इंदुवती के पापा ला फोन गई और बताई कि इंदुवती दीदी के एक्सीडेंट हो गए, आप मन जल्दी एक्सीडेंट हुए तेमर पहुंचो करके। तो इंदुवती दीदी के जो पापा है वो एक्सीडेंट में पहुंची तो लसाइल हॉस्पिटल ले चुके थे भाई, तो हॉस्पिटल गई तब पहला हॉस्पिटल भर्ती नहीं हुई, दूसरा में लगी तब तक बहुत देर हो चुके थे। उस संगवारी हो, जहां तक खबर निकल के आते ना, तो इंदुवती दीदी हेलमेट नहीं पहने से वही कारण शायद हो सकत है कि सिर में चोट आई, और इंदुवती दीदी आज हमन के बीच में नहीं है। संगवारी हो, हमन बस आप मन से इतना कहना चाहता हूं कि अभी के डेट में हर घर में एक ना एक जन आदमी सोशल मीडिया में कनेक्ट है, और वो आदमी ला पता नहीं है कि वो आदमी कितना टाइम स्टार बन जाए, कितना टाइम का बन जाए। बस आप मन से इतना ही विनती है कि आप मन कभी भी गांव निकला, कहीं भी निकला, तो बाइक में जाता हूं ना, तो हेलमेट लगा के जरूर जाए करो। आप मन तो देखते छो मोबाइल में, पब्लिक ऐप में, सब में देखा था समाचार तक में कि रोज के रोज प्रतिदिन एक्सीडेंट इतना ज्यादा बढ़ा जाते रोड के कि जान पूछा, हर गाँव के एक आदमी रोज के रोज ना घटना के शिकार होते। संगवारी हो, बस आप मन से इतनी विनती है, अगर आप मन बाइक स्कूटी चलाते हो तो कभी भी घर से निकलते हो, चाहे वो लंबा सफर हो जाए चाहे वो छोटे सफर हो जाए, हेलमेट लगा के ही निकले कर घर ले अपन अपन। काबर की एक हेलमेट लगा लेकिन फायदा आप मन ला दूठा हुई मैं बताता हूँ। पहला तो आप मन चलान से बच जाओ, और दूसरा जो है अगर आप मन के एक्सीडेंट बाई चांस हो भी जाते आप मन के जो सिर रहे चोट तो पहुँच भी नहीं करे हेलमेट के कारण। बस संगवारी हो, इतने रही से आज हमारे बीच में एक जिनाव उभरता हो सितारा जो है हमन के बीच में नहीं है। तो संगवारी हो, आप मन कमेंट में श्रद्धांजलि जरूर दे दो।